Hello students, in today's video we are going to learn about characteristics of an image formed by a plane mirror. Means plane mirror में जब image formation होती है then उस image की क्या क्या characteristic होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Firstly plane mirror होती क्या है उसको हम देखते हैं. बच्चे this is plane mirror. प्लेन मिरर में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है जो कि फ्रंट पार्ट में रहती है एंड उसकी बैक पार्ट सिल्वरी कोटिंग मीन्स सिल्वर की कोटिंग की होती है इसके ब्लैक पार्ट में जो कि ओपेक होता है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है इट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके एंड इसकी जो फ्रंट साइड होती है इट इज़ ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट. ओके अब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस मिरर के फ्रंट में रखेंगे देन उसकी इमेज किस टाइप की बनेगी उसके बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इज अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट. बच्चे प्लेन मिरर के फ्रंट में अब किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो हमेशा उसकी इमेज इरेक्ट ही बनेगी. इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट सीधी बनेगी. आप खुद भी प्लेन मिरर के फ्रंट में खड़े होते हो तो क्या आपकी इमेज उल्टी बनती है? नहीं, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है. दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. ठीक है, अपराइट का मीनिंग हुआ इरेक्ट सीधी. सेकेंड इज द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. बच्चे प्लेन मिरर के फ्रंट में जितनी डिस्टेंस में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस में बनेगी. मीन्स हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. आपने देखा होगा जब आप मिरर के पास जाते हो आपकी इमेज भी मिरर के पास आती है. मीन्स बैक साइड में आपकी इमेज भी आपके पास आती है. उसी तरीके से अगर आप मिरर से दूर होते हो मीन्स फार मूव करते हो एट दैट टाइम आपकी इमेज भी आपसे दूर मूव करने लगती है. क्लियर. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जितनी साइज की ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर में देख रहे हो इमेज भी उसी साइज की बनती है. दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी नेचर कैसी होती है? वर्चुअल होती है. मीन्स रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है. एंड वैसी इमेज जिसमें रिफ्लेक्टेड रे की एक्चुअल मीटिंग या एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होती है उसमें जो इमेज बनता है उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है. एंड वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. ओके तो हमने इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा, प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है एंड इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. प्लेन मिरर में इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है. लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर एज राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर एज लेफ्ट साइड. ओके दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. थैंक यू.